नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में शराब पीना मानो पाप है, क्योंकि सीएम नीतीश ने शराबबंदी कानून को लागू कर दिया है। आलम कुछ यूं है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर सख्त कानून लागू है, जिसके तहत पीने वाले को जेल की हवा भी खानी पड़ती है। ऐसे में आज के समय में भले ही शराबबंदी पूरी तरीके से लागू नहीं हुई हो, लेकिन शराब पीने वालों में खौफ जरूर है। यही कारण है कि बिहार में शराब पीने से पहले शराबी भी कई दफा जरूर सोचते हैं। ऐसे में इसी बीच अब एक खबर जो निकल करके सामने आई है, उसके अनुसार बिहार में शराब पीने वालों को अब जेल नहीं भेजा जाएगा। जी हाँ, आपने सही सुना, बिहार सरकार की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि होली के पहले जितने भी लोग शराब पीते पकड़े जाएंगे, उन्हें जेल की हवा नहीं खानी पड़ेगी। ये बातें हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि बिहार का मद्य निषेध और उत्पाद विभाग ये प्रावधान करने जा रहा है। मद्य निषेध विभाग के ही उपायुक्त कृष्ण कुमार ने इस बात की जानकारी दी है। लेकिन एक नियम जो हर शराब पीने वालों को माननी होगी वो ये कि शराब पीकर पकड़े जाने पर दारू बेचने वालों का नाम और ठिकाना सही सही बताना होगा। अगर सही सही नाम और ठिकाना बता देते हैं तो गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इतना ही नहीं, शराबी को ये भी बताना होगा कि उसने शराब कहां से और किससे खरीदी है। शराब विक्रेताओं की निशानदेही करने वाले व्यक्ति की सुरक्षा की जिम्मेदारी हालांकि मद्य निषेध विभाग जरूर लेगा, क्योंकि कई बार ऐसी जानकारी निकल करके सामने आती रही है कि शराब पीने वाले ने विक्रेताओं की जानकारी जब साझा कर दी है, उसके बाद उनकी ही जिंदगी पे बात आ जाती है। लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, क्योंकि मद्य निषेध विभाग ने इसकी पूरी जिम्मेदारी ली है। अब सवाल यह है कि मद्य निषेध विभाग ने आखिर ये फैसला लिया क्यों है। जैसा कि आप सबको पता है कि बिहार में शराबबंदी कानून लंबे समय से लागू है, जिसके कारण बिहार की जेलों में शराबियों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि सरकार के नाक के नीचे शराब पीने वालों की संख्या में कोई कमी नहीं आई है। हर दिन के साथ शराबी पकड़े ही जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद ही राज्य सरकार ने बिना अधिक सख्ती के शराबबंदी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए नियम कायदों में बदलाव करने का फैसला लिया है। क्योंकि आलम फिलहाल ये है कि जेलों के साथ साथ बिहार के अदालतों में भी मुकदमे बढ़ रहे हैं। यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी कई जज अब तक ये कह चुके हैं कि जिस तरीके से शराबबंदी कानून को लेकर के और शराबियों को लेकर के जो मामले सुप्रीम कोर्ट में बढ़ते जा रहे हैं, फाइलों की संख्या जो बढ़ती जा रही है, इससे अदालत पर बोझ बढ़ रहा है। जिसके बाद ही अब बिहार सरकार ने शराब पीने वालों को नहीं बल्कि शराब बेचने वालों को पकड़ने की योजना बनाई है। हाल ही में शराबियों को पकड़ने के लिए, खास करके शराब माफियाओं को पकड़ने के लिए बिहार सरकार भी काफी ज्यादा हाईटेक हुई है, जिसके तहत हाईटेक हेलीकॉप्टर लगाए गए थे। 4 हेलीकॉप्टर इसमें शामिल थे, जिसमें से 3 अनमैन्ड ड्रोन हेलीकॉप्टर और 1 4 सीटर हेलीकॉप्टर है। छापेमारी में शराब विक्रेता के पकड़े जाने पर पूछताछ के दौरान अगर वो बता देते हैं कि उसने शराब कहां से ली थी और उस ठिकाने पर भी छापेमारी करवाने में वो मदद करते हैं, तो उन्हें जो भी नियम कानून या फिर जो भी कानूनी पचड़े हैं उनसे उन्हें बचने में काफी मदद मिलेगी। लेकिन ये इसके लिए उन्हें नियमों का पालन जरूरी करना होगा। बिहार सरकार की यही कोशिश है कि बिहार में शराबबंदी कानून पूरी तरीके से लागू हो। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी अब तक कई बार ये बात कह चुके हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो शराबबंदी के फैसले को वापस नहीं लेने वाले हैं। ऐसे में भलाई यही है कि जो लोग शराब का सेवन कर रहे हैं वो सुधर जाए और शराब की बिक्री जो है वो बिहार में बंद हो जाए, क्योंकि मुखिया सीएम नीतीश कुमार ने ये तय कर लिया है कि कुछ भी हो जाए वो बिहार में शराबबंदी कानून को वापस नहीं लेंगे। जिसके बाद सरकार के इस नए फैसले से उम्मीद है कि शराब विक्रेताओं पर अब नकेल कसने में काफी मदद मिलेगी। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।